खाद एवं आपूर्ति मंत्री किरणदेव कांबोज ने कुरुक्षेत्र में लाडवा पीपली और थानेसर के अनाज मंडी का दौरा किया और वहां किसानों से बातचीत की। किसानों ने शिकायत की कि उनकी धान की खरीद नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बार 38,41,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। किसानों ने शिकायत की कि उनकी धान की खरीद नहीं हो रही है। वहीं अनाज मंडी के किसानों ने मंत्री जी को धान खरीद का पैसा न मिलने की शिकायत की। करणदेव कांबोज ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी धान को सरकार खरीदेगी, लेकिन वो अपने धान को मंडियों में सूखा कर लाएं। मंत्री ने यह भी कहा कि वो वैसे तो धान में नमी 17% होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एजेंसियों को 22% तक की नमी पर भी खरीद करने की हिदायत दे रखी है। यहाँ जो कुछ किसानों ने कहा कि हमारी जीरी नहीं बिक रही है, जब उनका मॉइस्चर लेवल चेक किया गया तो मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा है। हमने उनको ये कहा भी थोड़ा उसको खुलवा करके पंखा वगैरह लगा करके अगर मॉइस्चर इसका कम आ जाता तो उसको जो है ना जो हमारा MSP है उस पर हम खरीदेंगे, हमारी एजेंसियाँ खरीदेंगी। और अब की बार मौसम ख़राब होने की वजह से भी किसान की भी व्यावहारिक परेशानी है, और इसमें जितनी भी हमारी एजेंसियाँ हमने उनको भी कहा है कि किसान की परेशानियों को देखते हुए वो भी थोड़ा जो है ना नरम रुख अपनाते हुए किसान को समस्या ना हो, किसान को दिक्कत ना हो, तो ठीक प्रकार से जो है ना परचेज करे। तो आज मंडियों में पहले मैं लाडवा भी गया था सुबह और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो दूसरी जो आड़तियों की तरफ से जो समस्या आई है वो समस्या आई है पेमेंट की, कि अभी पेमेंट जो है ना वो 10 तारीख तक हुई है। तो मैंने अभी अपने जो हमारे ACS फाइनेंस है उनसे बात की है और आज शाम तक उन्होंने कहा कि वो सारी की सारी पेमेंट जो है ना रिलीज करवा देंगे। तो ये इस प्रकार की जो है ना एक दो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं सामने आई हैं जिनका साथ के साथ हमने समाधान भी निकलवाया। दूसरा ये कहा जाता है कि MSP पे सरकार ने 1750 तो धान की कीमत रख दी, लेकिन किसानों की नाराज़गी होती है कि जी मौसम में इतनी ज़्यादा नमी है और उसकी वजह से जो धान है वो काफ़ी धान में भी नमी पहुँचती है, तो सरकार को इस ओर भी देखना चाहिए कि उनकी धान जो है उनकी जो लागत है वो नहीं निकल पाती है, क्योंकि नमी ज़रूर आ जाए, खर्चा तो उनका उतना ही पड़ता है पैदा करने में। देखिए नमी भी अगर 1-2 पॉइंट की नमी है तो उसमें हमारी एजेंसियां उनको राहत दे करके ढिलाई दे करके उसको खरीद रही है, और अगर मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा है जो क्योंकि ये जा करके स्टैक में लगानी है और स्टैक में ज़्यादा दिन नहीं इसको रख सकते मॉइस्चर वाले माल को, क्योंकि इसमें जो है ना गर्मी खाने की वजह से सारा खराब हो जाता है। इसलिए बार बार जो है ना हम भी किसानों से निवेदन करते हैं कि वो थोड़ा अपने घर पर भी इसको थोड़ा सुखा करके लाए, पंखा लगा करके लाए, जिससे मॉइस्चर लेवल कम से कम लिमिट में हो। अगर 22 तक का भी मॉइस्चर लेवल होगा तो एक पॉइंट में जो कट बैठता है थोड़ा बहुत, उस कट को लगा करके और हम जो है ना उसको खरीदने की पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब मॉइस्चर लेवल जो है ना वो 22 से भी ऊपर चला जाता है तो उस माल को जो है ना स्टैक में नहीं लगाया जा सकता, वो 2-3 दिन के अंदर जो है ना ख़राब हो जाता है, गर्मी उसमें आ जाती है जिसमें कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो इसलिए दार हैं वो भी इस बात से लेकर के बड़े परेशान हैं। अगर जो ये मॉइस्चर लेवल परमिसेबल उसमें लिमिट में होता है तो उसको खरीदने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए एक जो समस्या आती है भंडारण की समस्या है काफ़ी, कि माल किसी पुल के नीचे रखे गए हैं तो कहीं खेतों में खुले छोड़ दिए हैं या रोड के फुटपाथों पे रख दिए हैं। यहाँ पर भी स्थिति आप देखेंगे तो बहुत विकट स्थिति है कि जो भी खरीदारी हो रही है रखने के लिए कहीं भंडारण की समस्या है। इसमें 50 सालों में सड़कें बन गई, रेलवे स्टेशन बन गए, लेकिन किसानों के लिए भंडारण के लिए गोदाम नहीं बने। देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात कहा, लेकिन जो पैडी का मामला है इसमें कोई भंडारण की सरकारी भंडारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, मंडियों में सेड सफिशियंट हैं और जो ये परचेज होती है सारा प्राइवेट मिलर खरीदते हैं और प्राइवेट मिलर के पास जो है ना आप अपने गोडाउन होते हैं, सब गोडाउन में लगाते हैं अपने जो है ना। दूसरी भी हमने हिदायत दी हुई है कि सारा माल जो है वो उस पर लगे क्रेट्स के ऊपर लगेगा और साथ में सबको तिरपालें भी दी हुई हैं, सब अपने मिल के अंदर जो है ना वो क्रेट्स के ऊपर लगा करके तिरपालों से जो है ना उसकी स्टैकिंग अच्छी प्रकार से करते हैं ताकि जो है ना बरसात आने की वजह से वो ख़राब ना हो, ये उनकी अपनी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे जगह हैं पूरे इस पूरे कुरुक्षेत्र में जहाँ पुलों के नीचे रखे हुए हैं। देखिए वो प्राइवेट मिलर ने अगर रख रखे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार नहीं रखती पैडी, सरकार जो है ना पैडी प्रोक्योरमेंट करती ही नहीं सरकार सारी जो हमारी एजेंसियां हैं वो सारी की सारी हम जो हमारे राइस मिलर हैं हम उनको CMR के लिए ये सारा राइस जो है ना अलाट करते हैं और एक क्विंटल के
एवज में हम 67 किलो उनसे चावल लेते हैं, उनको हम मिलिंग चार्जिंग देते हैं, अन्य प्रकार की और फैसिलिटी देते हैं। इसमें सरकार कोई किसी प्रकार का भंडारण पैटी में नहीं।